अपनी बेटी कृति यादव की इन हरकतों से बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव बनना चाहती हैं एक्ट्रेस और उनके पापा उन्हें बनाना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, जो कि देश की सेवा कर सके और साथ ही साथ उन्हें हायर स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं इंग्लैंड। जी हाँ, खेसारी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ें और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हो। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव यहाँ कृति यादव के सिनेमा प्रेम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। खेसारी यहाँ बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी बेटी कृति यादव को फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाए, वो देश की सेवा करे, सिविल सर्विस ज्वाइन करे। साथ ही साथ खेसारी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं। खेसारी अपने बच्चों को ध्यान देते हुए ये भी कहते हैं कि फ़ोन का यूज़ बहुत ही कम करें। वैसे कृति यादव को खेसारी डांटते नहीं हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ के लिए जोर ज़बरदस्ती करते हैं। खेसारी कहते हैं कि अगर बच्चे कोई चीज़ अपने मन से करें तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। खेसारी यहाँ ये भी कहते हैं, कृति खुद ही बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है, वो जानती है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वैसे हम आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर खेसारी चिंता में रहे हों। खेसारी कई बार कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फिल्म लाइन में ना आए, वो देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें गर्व महसूस हो, और अगर वो कुछ नहीं करना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को वो फिल्मों में नहीं देखना चाहते। और इसके लिए उन्होंने कई बार अपनी बेटी कृति यादव को मना भी कर चुके हैं, कई बार उन्हें समझा भी चुके हैं, लेकिन कृति यादव को फिल्मों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि खेसारी उससे काफ़ी तंग आ चुके हैं। अपनी बेटी कृति यादव की ख्वाहिश पूरा करने के लिए खेसारी ने अपनी बेटी से एक्टिंग भी करवाई थी। उनकी फिल्म का नाम दुल्हन गंगा पार के, जो कि काफ़ी हिट रही थी, और इस फिल्म के लिए कृति यादव को बेस्ट डेब्यूटेंट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला था, जिसके बाद खेसारी ने बेटी कृति यादव के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।